अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पी के बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह के फजल से आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये देखें, ईंटों की जो है ना, हाफ हाफ पीस हमने मंगवाए हैं, तो इसको अभी ना छोटा छोटा पीसों में करेंगे। ये देखें यहाँ पे, ये हमने हैमर रखी हुई है थोड़ी, तो ये देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता है इनको छोटा छोटा करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इसको देखो वो फर्श पे डालेंगे, दबाने के बाद ऊपर सीमेंट और रेत मिक्स करके डालेंगे, और इस तरह ये बेहतरीन हमारा जो प्लास्टर है ना हो जाएगा, क्योंकि ये वेस्ट है, ये बचा हुआ है, छोटा छोटा पीस है ना ईंटों के वो हैं। वैसे जी बिल्कुल इसको बारीक करते जाएंगे। ये देखें, इतने इतने पीस करेंगे। तो दोस्तों देखें, जब भी रोड़े को छोटा करेंगे ना, तो सेफ्टी का खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि मैंने ग्लव्स तो नहीं पहने हुए, तो इनको छोटा करने के लिए थोड़ा एहतियात करना जरूरी है, क्योंकि हाथ पे भी हैमर लग सकती है। तो हैमर लगी, देखें मैंने एक बड़ी ईंट ना जो मजबूत है ये नीचे रखी हुई है, इसके ऊपर तोड़ता हूँ मैं इसको, और हाथ को मुकम्मल तौर पे एहतियात के साथ बचाता हूँ। ये देखें, तो देखें अभी फुल एहतियात कर रहा हूं। ये देखें, क्योंकि इसका ये फायदा होगा ना कि इसके साथ जो हमारा फर्श है ना बहुत मजबूत बनेगा, क्योंकि अब इसके अंदर रेत और सीमेंट जाएगी ना, पहले इसको प्रेस रखेंगे सारे को जमीन के ऊपर, ऊपर से प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद सीमट और बजरी, सॉरी बजरी तो नहीं डालेंगे हम, सीमट और रेत, वो चार एक का चार तसले होंगे, जो जो बर्तन है ना एक बड़े
बड़ा हो या छोटा, वो चार एक का, इनके एक सीमेंट का चार रेत के डालेंगे और फिर हम इसको ऊपर से प्लास्टर कर देंगे, ये बेहतरीन हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखें अभी जितना ये छोटा होगा ना, ये देखें जितना ये छोटा होगा उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। इसके ऊपर पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद प्रेस कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये थोड़े हैवी हैं, इनको बाद में तोड़ेंगे, जो नरम है ना पहले इनको तोड़ते हैं। ये देखें अभी, ये देखें, ये साइड इस्तेमाल करेंगे जो छोटे वाली है, जो बड़ा है ना ये, इससे थोड़ा जोर ज्यादा लगेगा, टूटता काम है। ये देखें इससे, ये देखें देखें अभी माशाल्लाह, ये देखें। तो दोस्तों ऐसे होते हैं जी काम, जो ना मेहनत वाले, तो उनके लिए सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो दोस्तों आप भी ऐसे ट्राई किया करें, अपने जो काम है ना ज़्यादा से ज़्यादा खुद करें, ताकि आपका जो स्टेमिना है ना, आपकी कुव्वत मुदाफियत है, वो बढ़ेगी और आपको काम करने का शौक़ आएगा। तो आपका पीके भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको अच्छी अच्छी ही ऐसे ही कामों वाली चीज़ें बताता रहेगा, ताकि आप मजबूत, हार्ड और मेहनती हो जाएं। तो इसी के साथ ये अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, इसी के साथ अपने पीके भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।